हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में, UNRWA के बारे में। तो क्या है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले थोड़ा देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी इंडिया इसके लिए जो ऐड देता था इस फंड की, इस एजेंसी के लिए, वो अभी इंडिया है वो बढ़ा रहा है इस साल के लिए। अब यह किसके लिए काम करती है इस एजेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। देखो, इसे बनाया गया था मैंने 1948 में। उस टाइम पे अरब और इसराइल में आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो होता है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज वालों को, और इसीलिए इस एजेंसी को बनाया गया था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी, उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए कि जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं उनको रिलीफ या राहत मिल सके, इसके लिए इस बॉडी का निर्माण किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्ट ये बनता है कि UNRWA है ना, वो ओनली UN की एक एजेंसी है जो कि स्पेसिफिक एरिया के लिए डेडिकेटेड है। मतलब कि और पैलेस्टीन ए वाला एरिया है ना, उस एरिया के लिए मेनली डेडिकेटेड है। इसके अलावा एक बॉडी दूसरी भी हो रही है UN की जो काम करती है, जैसे कि UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली काम है वो करती है। बट किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए काम करने वाली बॉडी वो कौन सी है, वो है UNRWA, क्योंकि यह केवल और केवल जो पैलेस्टीन रिफ्यूजी वाला एरिया है उस एरिया के लिए ज़्यादा फोकस है वो करती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसी रिलीजन वाले में स्पेसिफिक रिलीजन है उसके लिए काम है वो बेसिक करती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डायरेक्टली बन जाता है। अब बात आती है इसकी फंडिंग की, तो फंडिंग की तरफ हम देखते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, ये पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए तो आपको बताया जैसे काम करती है। अब ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें मिलता है, UN के जो भी मेंबर होते हैं वो इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है हर साल थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। इसके अलावा है इसको UN के जो भी डेली कार्यक्रम होता है उसके द्वारा जो भी फंड मिलता है उससे भी कुछ हिस्सा UN की जनरल असेंबली के द्वारा इसे दिया जाता है। तो वो UN के पास खुद का तो थोड़ा बहुत फंड होता है ना, उस फंड का भी कुछ हिस्सा इसे ऑब्वियसली दिया जाता है। और अभी आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि पैलेस्टीन के मामले में थोड़ा US है वो थोड़ा दूर ही रहना चाहता है, इसलिए वैसे नहीं, जो ऐड दी जाती थी यहाँ पे उस ऐड को थोड़ा कम कर दिया, तो बाकी कंट्रीज उस ऐड को बढ़ा रही हैं ताकि इस वाले एरिया में राहत कार्यक्रम चलाए जा सकें। अभी कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि उस वाले एरिया में एजुकेशन देना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना, इसके साथ ही सोशल सर्विस हुई, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसके साथ ही और तरह के इंप्रूवमेंट हुए, माइक्रो फाइनेंस वगैरह हुआ, इमरजेंसी असिस्टेंट वगैरह हुई। कुल मिला के बात यह है कि जिन एरियो में हालत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, सिविल वॉर जैसी कंडीशन चल रही होती है, उन वाले एरियो में राहत प्रोवाइड है वो करवाती है, और मेनली पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए ये प्रोग्राम है वो UN के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको फेक ध्यान रखना कि एक तो अभी बॉडी नहीं बनी है, काफ़ी पहले की 1948 के टाइम पे इसको बनाया गया था। वैसे इंप्लीमेंट हुई थी 1950 से इसने काम करना शुरू किया था, बट बेसिक जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। UPSC ज़्यादातर ये के ऊपर डायरेक्टली चीज़ें नहीं पूछती है। चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो ये संत कबीर के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। देखो, संत कबीर हैं, उनकी 500वीं डेथ एनिवर्सरी है, वो भी मनाई जाने की बात है। वो है 28 जून को उनकी 500वीं डेथ एनिवर्सरी थी, और उस चीज़ को लेके अभी ये न्यूज़ है वो आई है। तो हमारे लिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हमने जैसे पढ़े हैं भक्ति मूवमेंट वगैरह, वहाँ संत कबीर का काफ़ी बड़ा रोल था। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा फ्यूचर। देखो, संत कबीर के बारे में कुछ जो बेसिक फीचर हैं, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो उनको संत के नाम से जानते थे, इसके साथ ये कवि भी थे, पोइट भी थे, इसके साथ ही सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या गई कि एक तरह से मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, ऑलराउंडर थे, ये पहली बात ही है। इनका टाइम कब था, ये थे 15वीं सेंचुरी के टाइम पे, मतलब 15वीं शताब्दी थी उस टाइम पे। एक्चुअली ये काम है वो क्या करते थे उस टाइम पे, इनका जो आप बोल सकते हो कि प्रभाव था वो जमा हुआ था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि कोई जो भी ये कविता वगैरह के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट है वो करते थे। आगे देखते हैं इनके जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह जो भी इनके उस हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये धर्म अच्छा है, ये कहते थे कोई धर्म चाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब ये किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना ही कोई धर्म वगैरह की, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है कि कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बस इनका एजेंडा ये था कि हाँ भाई सब सेम है, सब अच्छे हैं, सब इक्वल है, कोई बात नहीं है, केवल अच्छाई की बातें क्या करते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बट जो अहम बात हमारे लिए आती है, सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो, वो आती है इनका इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट में। देखो, भक्ति मूवमेंट में संत कबीर है, इनका अहम रोल रहा है, क्योंकि इन्होंने शक्ति ग्रंथ है वो लिखा है, सखी ग्रंथ है वो लिखा हुआ है, जिसके बारे में UPSC पूछ सकती है, क्योंकि 500 डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो UPSC इसी तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, सखी ग्रंथ है वो इनके द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही और चीज़ें थी, जैसे अनुराग सागर था, और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही बीजक था, इसके साथ कबीर,
ग्रंथ वाली, तो ये देखो कबीर ग्रंथ वाली तो आप नाम से मैं भी समझ सकते हो, बट बाकी और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सखी ग्रंथ हुआ, इसके साथ ही अनुराग सागर हुआ, इसके साथ बीजक हुआ, ये ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही इनकी जो कम्युनिटी थी ना, देखो इन लोगों ने फिर क्या किया, आपको पता है कि जब भी कोई इंसान ऐसी बातें करता है कि हाँ भाई कोई धर्म नहीं है सभी गुल है, तो लोग उसको एक नया धर्म मानना शुरू कर देते हैं। और यही सीन कुछ यहाँ पे हुआ कि कबीर पंथ है उसके नाम से एक फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो गया, जो कि कबीर पंथ के नाम से जाना था, जिसमें होता था क्या था, कबीर के जो भी अनुयायी थे संत कबीर के वो भी यहाँ पे रह करते थे, मतलब उन्होंने भी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है वो स्टार्ट कर दी थी कबीर पंथ के नाम से, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है स्वामी रामानंद का इन्फ्लुएंस। स्वामी रामानंद था उनका इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि कबीर दास थी ना उनकी आइडियोलॉजी है, उनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था स्वामी रामानंद की, जिन्होंने कबीर और इसके डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया था, तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्वामी रामानंद इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे। इसके साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ और है वो है यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है मगहर एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, मतलब मगहर एक जगह है वहाँ पे यूपी में, उस जगह को हिंदू टेम्पल बनाया गया है वहाँ पे कबीर जी का, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट बन जाता है कि हिंदू टेम्पल कहाँ बना है कबीर का, वो बना है यूपी के मगहर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम है, उन्होंने भी एक म्यूजियम है, मेमोरी है, वो भी बनाई है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। देखो तो यूपीएससी क्या है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे इस बार संथाल मूवमेंट न्यूज़ में था, आपको पता है कि उसकी एनिवर्सरी थी, तो उसी चीज़ को लेकर इस बार यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन सब पूछे थे, और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली थे, क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के थे, तो हमें जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड उनको डीपली हमें पढ़ना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि संत कबीर थे, 28 जून को उनकी 500वीं डेथ एनिवर्सरी थी, इसके बाद अहम बात है किसी भी रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे, वो अलग बात है कि उसके बाद लोगों ने उनका हिंदू टेम्पल बना दिया, लोगों ने उनको मुस्लिम बना दिया, जो जो काम उनके कर दिए, तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे जो न्यूज़ आई है वो आई है ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2018 के बारे में। तो ग्लोबल रियलिटी जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है ये एक्चुअली जारी किया गया है जोन्स लॉन्ग लॉसले इंस्टीट्यूट के द्वारा, JLL के द्वारा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यह आपको बता दूं कि रियल इस्टेट की ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, पहली चीज़ तो ये है, तो क्योंकि नाम में ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा ढंग से तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना है कि ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है वो रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, 186 इंडिकेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, काफ़ी अच्छे एरिया के आधार पर वो 186 इंडिकेटर वो बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, क्या रैंकिंग वगैरह रही है, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं इंडिया की रैंकिंग इस बार रही है यहाँ पे 35, लास्ट 2016 में इसका वापस इंडेक्स आया था उस टाइम पे इंडिया की रैंकिंग थी 36, तो इस बार 34-35 हो गई है, और उससे पहले इंडिया की रैंकिंग 2014 में थी वो थी यहाँ पे 34 के आसपास, तो ऐसे आपको सारी तो याद नहीं रखनी है, बट ये ध्यान रखना कि इस बार थोड़ी रैंक वो सुधरी है, एक रैंक है वो सुधर गई यहाँ पे। अब कुछ डिफरेंट एरियाज हैं जैसे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो की जाती है, इसके साथ ही मार्केट फंडामेंटल है, गवर्नेंस है उस चीज़ पे फोकस किया जाता है, लिस्टेड व्हीकल वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है, रेगुलेटरी कैसी है वहाँ पे उस चीज़ को फोकस किया जा रहा है, लीगल फ्रेमवर्क कैसे हैं, जो भी ट्रांजिशन की प्रोसीजर है वो कैसी है, और इन्वायरमेंट सबसे अहम बात है यहाँ पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस किया जाता है कि भाई जो भी काम हो रहा है वहाँ पे वो इन्वायरमेंट सस्टेनेब करेगा या नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंट को पूरा का पूरा ही नुकसान है वो पहुँचा दिया जा रहा है। जो टॉप कंट्री हैं इसमें 5 रैंकिंग स्टार्टिंग में वो हैं यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएस हुआ, फ्रांस और कनाडा, तो ये चीज़ आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। बात करें ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में इंडिया है उसकी हालत ठीक ठाक आप बोल सकते हो, बट ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील की रैंकिंग है वो है 37, रशिया की है वो है 38, इंडिया की है 35 और चाइना की है 33 और साउथ अफ्रीका की है वो है 21, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चाइना और साउथ अफ्रीका हमसे आगे हैं, सबसे आगे साउथ अफ्रीका है और उसके बाद चाइना है, फिर इंडिया आता है, फिर आता है हमारा ब्राज़ील और फिर आता है लास्ट में रसिया। अब आपको बता दूं कि इंडिया में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम है रेरा, तो आपको ये बताना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो कौन सी स्टेचुरी बॉडी है या नहीं है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि रेरा एक स्टेचुरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, देखो यह एक बेसिकली आपको बता दूं कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनाई गई थी, अब इसका काम क्या होता है वो भी देखेंगे और बनाया किसने था एक बार वो भी हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में G7 जो कंट्रीज थी, देखो स्टार्टिंग में तो G8 थी, नॉट G7, क्योंकि उसमें फिर रशिया को क्रीमिया का थोड़ा इश्यू हुआ था कि क्रीमिया को रशिया ने हड़प लिया वगैरह, तो उसकी वजह से फिर G8 में से रशिया को निकाल दिया, तो अभी G7 बचे हैं, तो आप बोल सकते हो कि रिसेंटली में G8 कंट्री थी उन्होंने इसको बनाया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था। इसका काम ये था कि जहाँ भी टेरर फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उससे बेसिकली यह डील है वो करती थी, और इसके साथ ही पॉलिसी मेकिंग भी है बॉडी थी, मतलब कि
जो भी पॉलिटिकल जो भी सॉरी कंट्रीज हैं उनके बीच में पॉलिटिकली जो विल है वो बना के रखना, ताकि वो पॉलिसी अच्छे से बना सकें और उसकी वजह से कहीं भी या तो टेरर फंडिंग वगैरह ना हो और ना ही कहीं पे कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेज हैं वो। स्टार्टिंग में देखो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती थी, उसके बाद में टेरर फंडिंग भी ऐड हो कर दिया गया। और अभी जो आजकल न्यूज़ इसके काफ़ी चर्चा में रहती है वो ये रहती है कि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि ग्रे लिस्ट है वो तैयार की जाती है इसके द्वारा, और उस ग्रे लिस्ट में उस कंट्री को डाला जाता है जो कि कहीं ना कहीं मिला या तो मनी लॉन्ड्रिंग या बोल सकते हो कि टेरर फंडिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो पाकिस्तान है वो टेरर फंडिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में है वो डाल दिया गया। पहली बार नहीं डाला गया, इससे पहले 2014-15 के टाइम पे भी पाकिस्तान ने ऐसे कारनामे किए थे, उस दौरान भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल रखा था। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है ना वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग है, मतलब फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन किधर से कहाँ हो रहा है, कहाँ उसका यूज़ हो रहा है, उसको ये देखता रहता है कि हाँ भाई अच्छा सही ढंग से यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ भी घपला होता है तो वहाँ जो उस कंट्री को एक तरीके से रिकॉग्नाइज है वो कर लेता है। इससे देखो दिक्कत क्या होगी पाकिस्तान को, दिक्कत ही होने वाली है कि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी हर्टअप होगा, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर थोड़ा बहुत नुकसान है वो यहाँ पर हो सकता है। तो ये इसके बारे में जो बेसिक फीचर्स थे वो हमने देख लिए, FATF के बारे में जो करंट न्यूज़ थी वो भी हमने यहाँ पर देख ली। अब हम आगे बात करते हैं, वो हम बात यहाँ पे करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको इंडिया ने बैन हो कर दिया, बट ये आपको ध्यान रखना है कंप्लीट तरीके से बैन नहीं किया है कि इसका कहीं भी प्रोडक्शन नहीं होगा, कहीं भी यूज़ नहीं होगा, बस केवल एक ही इंडिया की एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट सेक्टर का PSU है वो इसको बनाएगी। तो वो आपको नाम ध्यान रखना है कर्नाटका एंटीबॉडीज एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो, कि गवर्नमेंट का एक PSU है, केवल वही इसका प्रोडक्शन कर सकती है और वही इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन वो करेगी। बाकी बाहर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ना तो इम्पोर्ट किया जा सकता ना ही यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह की बातें होगी, तो आपको ध्यान रखना है एक्चुअली एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ थोड़ी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात की जा रही है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको बैन किसने किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैन किया है, इसका इंपोर्ट भी बैन हो जाएगा अभी और प्रोडक्शन भी। इसके बाद में इश्यू क्यों आया, देखो इश्यू यह है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना उसका डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, जो दुधारू पशु होते हैं गाय वगैरह इनसे दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका हार्मोन का यूज़ है वो किया जाता था। इसके साथ ही देखा जाए तो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं मार्केट में आती हैं, इनकी साइज़ वगैरह ग्रोथ करने के लिए मतलब इनकी ग्रोथ अच्छी हो उसके, जैसे कि गाजर वगैरह हैं टमाटर वगैरह की ग्रोथ अच्छी हो, प्याज ककड़ी जैसे ये चीज़ें इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका बेसिकली यूज़ है वो किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ को भी नुकसान है वो फिर पहुँचाता है। देखो अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से बिहेवियर चेंज हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे लव हार्मोन या हग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी सारे इसके हर नाम है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, बेसिकली यह कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा काम तेज़ है वो कर देता है। तो बेसिकली एनिमल में दूध प्रोडक्शन के लिए जैसे आपका यूज़ है वो किया जाता है। इसके साथ ही ह्यूमन लाइफ में देखा जाए तो इसका मेन दो काम होते हैं, तो चाइल्ड बर्थ और इसी के साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस दौरान इस हार्मोन का स्राव है आप बोल सकते हो कि ये हार्मोन रिलीज है वो होता है। और हमारे माइंड में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो ये जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसके द्वारा इस हार्मोन का एक तरह बोल सकते हो कि इस हार्मोन को एग्जेक्ट है वो किया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, वो है WHO ने इसका एक अल्टरनेटिव भी तैयार किया है जिसका नाम है कोर्बेटियोसिन। तो ये आपको ध्यान रखना है कोर्बेटियोसिन, ये एक्चुअली WHO का एक अल्टरनेटिव तैयार किया गया है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जिसके साइड इफेक्ट वगैरह नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ध्यान रखना है, होती क्या है, माइंड के अंदर होती है मटर के दाने की तरह। इसके साथ ही जो WHO का अल्टरनेटिव है और बेटियों को इन, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद में हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देखा जो कि एक फाइनेंशियल वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाला है। इसके बाद में हमने ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में जाना जो कि JLL ने एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा तैयार है वो किया जाता है, इंडिया की रैंकिंग इंडेक्स में 35 रही है। इसके बाद भी हमने संत कबीर की एनिवर्सरी के बारे में जाना कि भाई उनकी 500वीं डेथ एनिवर्सरी थी, क्या क्या थे, किसी भी रिलीजन वगैरह को सपोर्ट वो नहीं करते थे, और इनका हिंदू टेम्पल है इंडिया में वो बनाया गया है मगहर में, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो कि UP में है। इसके साथ ही इनके ग्रंथ थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो था यहाँ पे सखी ग्रंथ था ये आपको ध्यान रखना है, अनुराग सागर और बीजक ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कबीर ग्रंथ वाली तो आप नाम से ही समझ जाओगे एग्जाम में। अब बात की जाती है यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो थी UNRW के बारे में, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि यह UN की एक ऐसी सिंगल एजेंसी है जो कि किसी रिफ्यूजी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डील है वो करती है रिफ्यूजीज के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से मेनली पैलेस्टीन रिफ्यूजी होते हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पे बात है वो की जा रही है।
तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। देखो पीडीएफ है वो नीचे आपसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक पेज है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर साइट वगैरह देखो थोड़ा उसमें इशू चल रहा था, अगर हो सकता है आज से ठीक हो गया हो तो पीडीएफ वहाँ से अपलोड है वो कर दी जाएगी। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा अगर साइट चल रही है तो आपको वहाँ लिंक वो मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना अगर साइट चल रही है तो आपको वहाँ पर इशू है वो नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।